मैं प्रियंका शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम DLED थर्ड सेमेस्टर के विषय वस्तु प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्रकाश स्रोत एवं संचरण, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम अपने आसपास की वस्तुओं को अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन फिर क्यों हमारी आंखें अंधेरे में देख नहीं पाती हैं? जवाब है रोशनी। इन ऑब्जेक्ट से लाइट आने के कारण इन्हें हम देख पाते हैं। इन ऑब्जेक्ट से लाइट स्पेस में ट्रेवल करती है और फिर हमारी आंखों में पहुंचती है। अंधेरा होता है या रात होती है तब रोशनी नहीं होती है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। कोई कोई ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट जनरेट कर पाते हैं, जैसे सन, फ्लोरोसेंट बल्ब, बर्निंग कैंडल्स, ये सब अपनी खुद की लाइट जनरेट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं, इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट अपनी लाइट जनरेट नहीं कर पाते हैं, जैसे टेबल, चेयर, पेपर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे ये कहा था कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो जो लाइट नहीं जनरेट कर पाते हैं, पर हम उनको कैसे देख पाते हैं? हम उनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख पाते हैं। ये लाइट को हमारी आँखों पर रिफ्लेक्ट करती है। ये कौन सी लाइट है? ये कहाँ से आती है? यह लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक ट्रेवल करती है, और इसी के कारण ही हमको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मेन जो रीजन है दिखने का, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। अब हम सूर्य के प्रकाश में हम देखते हैं कि कैसे हमको आकाश नीला, सफ़ेद बादल और हरी घास दिखाई देती है। इसका एक कारण है कि वो सूर्य की प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों तक वो ट्रेवल करती है, इसीलिए हमको आकाश नीला, बादल सफ़ेद और घास हरी दिखाई देती है। जैसा कि ये इमेज में मून दिखाई दे रहा है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होकर उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, टॉर्च को ऑन कीजिए, टॉर्च के प्रकाश को आप एक दीवार पर केंद्रित कीजिए। अब आप देख पाते हैं कि टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश में कुछ पार्टिकल्स आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल हैं। ये हमको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश रिफ्लेक्शन के कारण ये डस्ट पार्टिकल चमकने लगते हैं। जैसे ही टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश इन डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तो ये हमें चमकने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी बंद कमरे में अगर खिड़की खुली हो तो उससे जब प्रकाश अंदर आता है तो उसमें भी पार्टिकल्स चमकने लगते हैं। तो उसका कारण केवल एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जो उन पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक ट्रेवल करता है। इन पार्टिकल्स का चमकना हमको एक आश्चर्यचकित घटना लगती है, लेकिन इसके पीछे भी रिफ्लेक्शन का रीज़न होता है। आइए अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम देख पाते हैं, और लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं, जैसे सन, फ्लोरोसेंट बल्ब, कैंडल, क्योंकि इनमें अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो अपना प्रकाश जनरेट नहीं कर पाते,
जिन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं टेबल, वॉल, चेयर, ईटीसी। लेकिन हम देखते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमको ये विजिबल हो पाते हैं, क्योंकि अब आप देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में अपना लाइट इमिट करते हैं, क्यों ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अपनी लाइट इमिट करते हैं। अब हम एक फ्लोरोसेंट बल्ब को देखते हैं, इसका प्रकाश सब दिशाओं में एक साथ दिखाई देता है, जैसे कि हमने इसके लाइट की रेज को एक एरो पाथ से डिनोट किया है। हम देख पाते हैं कि ये प्रकाश इन एरो पाथ्स पर को रिप्रेजेंट करता है और दिखाई, इसको हम रेज ऑफ लाइट कहते हैं। रेज ऑफ लाइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए रे ऑफ लाइट इज डिफाइन एज ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। ये एक ऐसा पाथ है कि जिस पर प्रकाश ट्रेवल करता है। लाइट इमिटेड बाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सारी दिशाओं में ट्रेवल करता है। आप इस फ्लोरोसेंट बल्ब को देखिए, इससे निकलने वाली लाइट रेज नीचे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दीवार तक पहुँचती हैं। इनको समझने के लिए हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना होगा। आइए अब हम इस इंसिडेंट रे को, जो प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जब ये इससे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। ये कैसे लाई करती हैं, ये दोनों रेज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं ऐसे ट्रैवल कर सकती, इसके भी रूल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं और बीच में इसके एक लाइन नॉर्मल होती है। तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस, ये तीनों एक सेम प्लेन में लाई करती हैं, जैसा कि दिखाया गया है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल लाइन प्लेन सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम एक बार रिपीट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस समझेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने देखा कि पहला लॉ ये कहता है कि आई इज इक्वल टू आर इन ऑल कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आई और आर इसमें बराबर हैं। अगर हम आई को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ाते हैं, तो हम पाते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करना है, इसीलिए आई इज इक्वल टू आर होता है। चलिए अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर स्थित होती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस एक प्लेन पेपर को हम कंसिडर करते हैं, इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर स्थित हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ये ऐसे कंसिडर करें कि ये घुमा हुआ, कि रिफ्लेक्टेड रे इन अदर डायरेक्शन में करते हैं, तो हम पाते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों तो सेम प्लेन में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज इस प्लेन में नहीं है। तो इसमें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वॉयलेशन होगा। हम पाते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों सेम प्लेन में स्थित हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे एक अलग प्लेन में स्थित है, इसीलिए ऐसे इसका वॉयलेशन होने के कारण इसमें पॉसिबल नहीं है। हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर स्थित होती हैं।
इसीलिए एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और समतल पर स्थित होती हैं। क्या होता है जब एक रे ऑफ लाइट एक किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, क्या हो सकता है? अभी हमने बताया था कि ये लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, इसका एक और स्टेप भी हो सकता है, ये ट्रांसमिट भी हो सकती है और ये अब्सॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन ये तीनों चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? ये ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक ही होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ़ द लाइट, अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसमिट करता है मोस्ट ऑफ़ द लाइट। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की क्वालिटी पर। जैसे कि जब हम मिरर को लेते हैं तो मिरर मोस्ट ऑफ़ द लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जब हम ग्लास को कंसिडर करते हैं तो ग्लास मोस्टली लाइट को ट्रांसमिट करता है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाइट का बेंड होना है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट बेंड हो जाती है, जैसा कि हम देख पाते हैं। आइए हम इसको एक ऑब्जेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये है ग्लास स्लैब, इस पर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है। ऑब्लिकली का मतलब है स्लैंट, ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। तो एक रे ऑफ लाइट का एक मीडिया से दूसरे मीडियम में बेंड होने को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें दो मीडियम, एक एयर और एक ग्लास है। जैसा कि हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, हम समझते हैं कि जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट मीडियम और जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव मीडियम कहते हैं। अब हम देख पाते हैं कि कैसे ग्लास में से जो लाइट रे बाहर निकल रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो ग्लास में से लाइट जिस पॉइंट पर पड़ रही है उसको हम इंसिडेंट रे, और जैसे जो बाहर ट्रेवल कर रही है वो रे ऑफ लाइट उसको हम रिफ्रैक्टिव रे कहते हैं। हम ये दोनों पॉइंट कंसिडर करते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंट से कि एक मीडियम रे ऑफ लाइट का ट्रेवल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हुआ है, इस पॉइंट को हम नॉर्मल परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच बनने वाले एंगल से